राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना और राजस्थान के अन्य समुदायों ने सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या के विरोध में आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा रोहित गोधरा ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल बुधवार को राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की उनके ही घर में 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर हालत में सुखदेव सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद राज्य में तनाव बढ़ गया है। जयपुर, जोधपुर, अलवर समेत कई जगहों से प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। चरू में सरकारी बस पर पथराव कर दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना और राजस्थान के अन्य समुदाय ने सुखदेव सिंह की हत्या के विरोध में आज बंद का ऐलान किया है। कर्णी सेना ने हत्यारों के एनकाउंटर की मांग की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े रोहित गोधरा ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा कि गोगामणि उसकी गैंग के दुश्मनों का समर्थन कर रहा था और उन्हें सशक्त कर रहा था। वहीं पुलिस के मुताबिक इस घटना के दौरान हमलावरों ने अपने साथ एक व्यक्ति को भी गोली मार दी और घर में मौजूद एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि हमलावर बातचीत करने के बहाने गोगामणि के घर में दाखिल हुए और कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उनके अनुसार गोगामणि के गार्ड ने भी जवाबी गोली चलाई। मिश्रा ने बताया कि बाद में दोनों हमलावरों ने उनके साथ आए नवीन शेखावत को भी गोली मार दी। उनके मुताबिक इस वारदात में गोगामणि और नवीन की मौत हो गई, जबकि परिचित अजीत गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं डीजीपी के मुताबिक आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की ओर से सख्त नाकेबंदी कर दी गई है। ठिकानों पर दबिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना की रोहित गोधरा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। इसे ध्यान में रखते हुए पड़ोसी जिलों और बीकानेर संभाग में भी बदमाशों के संपर्क वाले लोगों को चिन्हित कर लगातार दबिश की जा रही है। इसके बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने स्वयं बात कर उनसे सहयोग मांगा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें पुलिस टीम को सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी देश भर से राजपूत समाज के लोग इकट्ठा होकर राजस्थान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्णी सेना का कहना है कि जब तक सुखदेव सिंह को न्याय नहीं मिल जाता और जब तक हत्यारों का इनकाउंटर नहीं हो जाता, तब तक नए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने देंगे। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसे ही अनेक खबरों के लिए जुड़े रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।